हे गुड कर्मा फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, अभी इस वक्त जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उस टाइम आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, वही हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही देखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक किया है। ओके, करंटली ना आपके पार्टनर की जो मन में चल रहा है वो ये चल रहा है कि अब वो ना आपके पास वापस आना चाहते हैं। मे बी अभी ना नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए, और इन्हें ना बहुत ही गंदा वाला रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। या तो ये आपको खुश देख रहे हैं, उस चीज़ से इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लिया हो। मे बी आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं, बट ये आपको ना अच्छे से पैम्पर नहीं कर रहे थे, आपका ख्याल नहीं रख रहे थे, आपको टाइम नहीं देना या आपकी वैल्यू नहीं करना, इस वजह से ना या आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। ओके, बेसिकली आप इस पर्सन से अभी सेपरेशन में हो, क्योंकि ये अब आपको चेस करना चाह रहे हैं। इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, इनको ये है कि भाई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें ही करनी होंगी, क्योंकि आप एक जस्टिस लवर टाइप पर्सन हो। ओके, आप इनकी ज़रा भी ना जो कहते हैं ना फालतू बातें, फालतू हरकतें बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और वही चीज़ ना अब इनको समझ आ गई है, इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि जब तक आपके साथ बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक आप भी इस पर्सन को ना ज़्यादा भाव नहीं देने वाले हो, ज़्यादा इस पर्सन की ना फालतू बातों को ना टॉलरेट नहीं करोगे, फालतू बातें नहीं सुनने वाले हो। ओके, और कहीं ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा ही जानना, ये सब चीज़ें मुझे लग रही हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है, या इनका ना ऐसा था कि भाई इनके पास ना ऑप्शन काफ़ी सारे थे। ओके, तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लेते थे। ऐसा हो सकता है ये काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, दिखने में काफ़ी अच्छी खासी हाइट होगी इस पर्सन की। ओके, तो इस पर्सन का ना अभी जो मन है वो ये है कि आपको चेस करना, आपके पास वापस आना, आपके साथ बैलेंस करना, और जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उस चीज़ का ना इन्हें जो रिग्रेट है उसकी माफ़ी मांगना। और माफ़ी नहीं भी मांगेंगे ना, क्योंकि ये काफ़ी इगोस्टिक टाइप पर्सन है, तो जस्ट ये है कि ये ना आपके साथ वापस से इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें रखना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को इनके बिना भी। ओके, और वो चीज़ ना इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, इसी वजह से ना इस पर्सन को आपके साथ ना वापस से अपने वो जो हैप्पी मोमेंट है वो जीने हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं। ओके, ये पर्सन वापस से ना आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, वापस से इसको ये है कि भाई जो भी हुआ जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो, लेकिन इस पर्सन के साथ अभी आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था। ओके, अपने काम में बिजी होने की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ऑप्शन थे, ज़्यादा ही गुड लुकिंग, तो ये इस पर्सन के ना भाव बढ़ गए थे और ये सोच रहा था कि आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे, आप तो हर सिचुएशन में इस पर्सन का साथ दोगे, इस पर्सन के साथ ही रहोगे। लेकिन जब आपने अपनी वर्ड समझी या आपने ना अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा ना, तब इस पर्सन को ना अपनी गलतियां रियलाइज़ हुई है कि भाई आप इनके बिना भी खुश हैं, आप इनके बिना भी अपनी लाइफ जी सकते हैं। ओके, और कहीं ना आपको ना इस पर्सन की नीड है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो कि हाँ आपको अभी भी इस पर्सन को लेके ऑब्सेशन है, या आप अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। बेसिकली आप ना अंदर से टूटे हो, आप भी हर्ट हो, लेकिन आप शो ऑफ ऐसे कर रहे हो कि भाई मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ या इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, लेकिन इस पर्सन को अब ये चीज़ जो दिख रही है ना, जो आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, मे बी आप डाल रहे हो कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को और आपको कोई फिक्र नहीं है, आप मस्त मौला अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वो चीज़ ना इस पर्सन को हज़म नहीं हो रही है और इसलिए ना ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इसको वैल्यू भी रियलाइज़ हुई है कि इसने ना गलत ऑप्शन को पिक किया आपको छोड़कर। ओके, वो चीज़ें भी मुझे लग रही हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं थी, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना आपने इस पर्सन की हर तरीके से मदद भी की थी, लेकिन अभी जो आप मी टाइम में हो ना, वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। बेसिकली आप जो अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, या खुद के साथ जो मी टाइम बिता रहे हो ना, या सेल्फ लव जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। मे बी आप कहीं बाहर घूमने फिरने गए हों, ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी को पसंद होता है सोलो ट्रिप वगैरह, तो वो चीज़ें आप कर रहे हो। ओके, इन्जॉय कर रहे हो आप बेसिकली, तो अब इस पर्सन को वापस आना है। अब ये है ना, अगर आप मैरिड हो ना, तो ये आपको अपने बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो उनका हवाला देंगे, या फिर आपको एक कमिटमेंट देना चाहेंगे, या इनको ना ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ आपके साथ ना जो है फैमिली बनाई जा सकती है, फैमिली के बारे में सोचा जा सकता है, बेसिकली आपके साथ वो मैरिज वाली चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप में गए, लेकिन इस पर्सन ने ना आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि आप क्योंकि इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो इनको ऐसा था कि भाई आप ना इनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप ना हर तरीके से इनके साथ रहोगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वही है कि मैनिपुलेट अभी भी करना चाह रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है आपके होते हुए भी ना ये दूसरे ऑप्शन देखना, दूसरे ऑप्शन सर्च करना, या ऐसा हो सकता है कि वो कहते हैं ना फ्लर्ट करना, या आपको उतना ज़्यादा भाव नहीं देना, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। और जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया ना, तब इनको ये हो रहा है कि भाई नहीं चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, फिर चाहे मैरिज हुई है या नहीं हुई है, मैरिज आपके साथ ही देख रहे हैं। ओके, और कहीं ना इस पर्सन को ना आपकी तरफ अलग लेवल का अट्रैक्शन हो रही है, आपकी वैल्यू हो रही है कि आप ही एक ऐसे पर्सन है जो इन्हें कह सकती हूँ मैं कंट्रोल कर सकते हैं, या आप ही एक ऐसे पर्सन है जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ही एक ऐसे पर्सन है जिसे ये अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के तौर पे देखते हैं। ओके, और अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये वही चीज़ है कि भाई आगे का फ्यूचर के बारे में बात करेंगे आपसे, या वो सब चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब बेसिकली ना इनको ये भी चीज़ है कि भाई कैसे मैं मनाऊँ, कैसे मैं इसके पास वापस आऊँ, वो वाली चीज़ें भी हैं इस पर्सन को। इनको ऐसा है कि एक जाला सा बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे मैनिपुलेट करूँ, कैसे बात करूँ, वो वाली चीज़ें ज़्यादा है इस पर्सन के दिमाग में। इसको पता है कि इसकी गलती थी, जो भी इसने फॉर ग्रांटेड लिया या जो भी इसने गलतियाँ की, इसको पता है अब, लेकिन उसका इसको सॉरी भी नहीं बोलना है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे आप म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हो, ऐसा हो सकता है, तो उनसे कुछ ना कुछ आपके बारे में पता करना, जिससे आपकी एक्टिविटीज़ का पता चलेगा, आपके मन की ना बात पता चले कि आप इस पर्सन को लेके अब क्या सोच रहे हो, प्रेजेंट टाइम में ना आपका इस पर्सन को लेके क्या ओपिनियन है, क्या सोच रहे हो आप इस पर्सन को लेके, तो उसी चीज़ के लिए ना ये पर्सन काफ़ी लोगों से जान रहा है आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं आपका रिश्ता पक्का तो नहीं हो गया, वो भी चीज़ें मुझे लग रही हैं किसी किसी के लिए। ओके, और करंट एनर्जी ये है, बहुत ज़्यादा ही ना इमेजिनेशन में है, बहुत ज़्यादा ही आपको मैं कहूँ इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना है, वैसा टाइम स्पेंड करना है, और बेसिकली ना अब इनको समझ आ गई कि आप ना इनकी कुछ भी ना फालतू बातें अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, इक्वल गिव एंड टेक चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। और वही चीज़ को लेकर ना ये पर्सन सोच रहा है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्हें ये चीज़ की क्लियरिटी तो आ गई है इन कार्ड से देख के कि उनके मन में ना आपको लेके ये है कि भाई कमिटमेंट आपको देनी है। ओके, इस चीज़ को लेके वो श्योर हो रहे हैं कि आप ही उनके फ्यूचर पार्टनर होने चाहिए, इनकेस आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हुई है और अभी सेपरेशन वगैरह चल रहा है, तो ये आपके साथ अपनी शादी को बचाना चाहते हैं। इनका ना अब माइंडसेट जो है ना वो क्लियर हो रहा है आपको लेके कि नहीं, आप एक ऐसे पर्सन है जो इनको हैंडल कर सकते हैं, आप एक ऐसे पर्सन है जिसने इनका हमेशा साथ दिया है, आप एक ऐसे पर्सन है जो इनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जिसके साथ
फैमिली बसाई जा सकती है, ठीक है, फैमिली बनाई जा सकती है, जो भी आप कहें, ठीक है। और इसीलिए ना ये थोड़ा सा जाला सा बुन रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक होता है ना कि भाई किस तरीके से मछली फंसेगी, जो वो होती है ना चीज़ें, तो वही है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो जल्दी से ना फंसता नहीं है, चाहे इंसान कितना भी मैनिपुलेट करने का ट्राई कर ले, बट आप काफ़ी ज़्यादा ही ना लॉजिकली चलते हो, प्रैक्टिकली चलते हो, या आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है। तो इनकी जो भी चालबाजी होती है ना, या जो भी इनकी मैं कहूँ नेगेटिविटी है ना, वो आपके ऊपर नहीं आ पाती है। ये कितना भी ट्राई कर लें आपको मैनिपुलेट करने का, पर आप नहीं होते हैं, सच ये है। उसी चीज़ को लेके ना प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपकी लाइफ में वापस आया जाए। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। थोड़ा सा ना अभी आप इनके लिए थोड़े मिस्टीरियस टाइप के पर्सन भी हो, क्योंकि अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं भी ना, तो उनसे भी ज़्यादा इनको पता नहीं चल रहा है। अब ये प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जल्दी से मैनिपुलेट होने वाले पर्सन हो नहीं, जो भाई कुछ भी बोल दिया और आपने यकीन कर लिया। तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी समझदार टाइप के पर्सन हो, और आप ना कोई भी फालतू बातों पे ना एकदम से यकीन नहीं करते जब तक आप चीज़ें देख नहीं लेते, जब तक आप, तो आपके सामने वो सिचुएशन नहीं हो रही होगी ना, आप खुद देख नहीं लोगे, सुन नहीं लोगे ना, उससे पहले ना आप यकीन नहीं करते हो। तो ये चाहे कुछ भी फालतू बना ले बातें, या कुछ भी ट्राई भी कर लेना मैनिपुलेट करने का, आप नहीं होने वाले हो। तो इसलिए ना ये ज़्यादा ही दिमाग से चल रहे हैं, या ज़्यादा ही इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है कि भाई कैसे वापस आया जाए, क्योंकि वापस तो इन्हें आना है, ठीक है। आपके साथ एक रिकनसाइल वाली चीज़ें तो है, क्योंकि इन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन यही है कि ये ना वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ना आपके बारे में जानने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये ना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम आए, ऐसा कोई माहौल आए, ऐसी कोई गैदरिंग वगैरह हो जिसमें आप भी आ सको और ये भी आ सके, तभी आपसे बात करने का ट्राई करेगा। ओके, बेसिकली ना ये राइट टाइम का वेट कर रहा है, जब आप ना अपने म्यूचुअल फ्रेंड से मिलोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल हो, जैसे किसी की शादी हो गई, या किसी की पार्टी है किसी भी टाइप की, या ऐसे ही मिल रहे हैं सारे फ्रेंड्स वगैरह, तो ये एक राइट टाइम का ना वेट कर रहे हैं जब ये आपसे मिले और आपको ना चीज़ें क्लियर करें। क्योंकि अभी ना मे बी ब्लॉक वाली सिचुएशन हो सकती है, ये पर्सन ना आपके साथ मैरिज देख रहा है, और इस पर्सन को ना आपके साथ फैमिली बनानी है। ओके, आपके साथ फैमिली देखता है ये पर्सन, अपना फ्यूचर देख रहा है, और आपके साथ ना इसको लगती है कि हाँ भाई आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इसके साथ ना लॉयल्टी के साथ चलेगा, जितना उसने नोटिस किया, जितना उसने आपको जाना है, पहचाना है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ना इस लेवल के पर्सन हो, लाइक एम्परर वाले, आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आप अगर लड़की हैं तो भी आप बहुत स्ट्रांग हैं मेंटली स्पेशली, और आप इमोशनल पर्सन भी हैं ना, तो आपको इमोशंस अपने कंट्रोल करने आते हैं, बैलेंस करने आते हैं। ओके, तो बेसिकली ये कुछ भी चाल ट्राई करें, कुछ भी अगर ऐसा ट्राई करें ना, तो आप पर नहीं चलने वाला। और वही चीज़ की वजह से ना ये पर्सन, क्योंकि अगेन डेविल आया है, ये पर्सन ना आपको इस तरीके से देख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी फेयरलेस टाइप के पर्सन हो। आपको डर नहीं लगता है ना ही इस पर्सन को खोने से, ना ही इस पर्सन के किसी भी मैं कहूँ चलाकी से, मतलब आपको डर नहीं लगता है। ये पर्सन ना आपको खोने से डरता है, लेकिन आप इस पर्सन को खोने से नहीं डरते हैं, और वो चीज़ अब इसको समझ आ गई है, और इसी वजह से ना इसको आपकी वैल्यू हो रही है, क्योंकि जो खोता है ना उसी को वैल्यू होती है। ओके, और आपने इसके लिए ना बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आप ना इस पोजीशन पर आ गए हो, अब आपको ना कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके लिए बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन इसने वैल्यू नहीं की आपके, और इसी वजह से ना आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी वजह से ना आप जो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर कोई इमोशंस भी थे ना, तो उसको भी आप दबा के बैठे हो बड़े स्ट्रांगली,
और वही चीज़ ना इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है. ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ वो वापस से अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, कमिटमेंट वगैरह, लेकिन राइट टाइम का, एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है क्योंकि हर्ट बहुत है. ओके, और ये यही चाह रहा है कि बस सिचुएशन ऐसी घूमे, समय का पहिया ऐसा घूमे कि आप दोनों ना एक जगह मिल पाओ. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ना मुझे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या एक साथ कॉलेज में हो, या वर्क प्लेस पे आप हो, वो चीज़ें भी हो सकती हैं. अभी फ़िलहाल आपका ना इस पर्सन के साथ बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, और अगर आपकी मुलाकात भी होती है तो ज़्यादा बातचीत ना होती हो, वो चीज़ें भी हो सकती हैं. ओके, और ये पर्सन ना आपको बहुत ही हाई रिगार्ड में देख रहा है. ये पर्सन ना आपकी वैल्यू अब जान रहा है क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत किया था. इन केस अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये पर्सन ना आपके साथ ये कमिटमेंट वाली चीज़ें चाहते हैं. अब ये चाह रहे हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं, और अब वो यही चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई कैसे जो है कमिटमेंट दी जाए या आगे बात की जाए. बट ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है. आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपने हर पल इस इंसान का ना साथ दिया है, सपोर्ट किया है, और उस चीज़ की वैल्यू अब इसे हो रही है. चाहे इसने आपको कितना भी फॉर ग्रांटेड लिया हो, चाहे ये आपके साथ होकर भी नहीं था, ओके, मतलब आपने ना इस पर्सन को कभी भी नहीं छोड़ा है, तो वही चीज़ की ना अभी इस पर्सन को वैल्यू हो रही है. और नेक्स्ट सेक्शन में यही है कि ये ना एक राइट टाइम का वेट कर रहा है कि कब इस पर्सन की मुलाकात आपसे हो, और ये पर्सन ना आपसे मिलके सारी बातें आपको क्लियर करे. अब थोड़े लव मैसेजेस देख लेते हैं. ज़्यादातर लोगों के लिए ना मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही लग रही है. और सबसे अच्छा जो काम किया है ना आपने, वो ये है कि इस पर्सन के छोड़ने पे भी ना आपने अपनी वर्थ को नहीं खोया, और वही चीज़ ना इस पर्सन को सबसे ज़्यादा चुभ रही है कि भाई आप इसके बिना भी कैसे खुश हो, इसने सोचा नहीं था. तो इनका जो मैसेज है वो ये है, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट. तो ये कहीं ना कहीं जो वो लाइट एनर्जी है ना, जो आप इस पर्सन के साथ इंजॉय करते थे, या हमेशा इस पर्सन को खुश रखते थे, या कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिससे ये पर्सन मोटिवेट होता था, तो ये वो चीज़ को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है. ओके, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ. तो मे बी ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने ना बहुत ट्राई किया हो कि ये आपको भूल जाए, जिसे ये अपने ऊपर वर्क कर सके, बट ऐसा नहीं हो पाया. आपने इस पर्सन की लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव किया हो, वो चीज़ें हो सकती हैं. माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ. तो मे बी ऐसा हो सकता है आप भी इनकी लाइफ में ना काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, जिसके बाद ही ना इन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है. इनकी लाइफ में ना अभी मेस हुआ पड़ा है, ठीक है. आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, द पैशन इज़ टू मच. तो जो आप दोनों के बीच पैशन है वो काफ़ी मैं कहूँ ज़्यादा है, ठीक है, आप दोनों के बीच. हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड. तो कहीं ना ये आपसे क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, जो इन्होंने सब कुछ स्यापे किए हैं, सब कुछ ये मेस किया है, उसको आप कैसे भूलोगे, ठीक है, कैसे ही आप इन्हें माफ़ करोगे, वही चीज़ें हैं. तो यही इनके मैसेज है. सो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, वे वन न्यू स्टोरी. देखो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है क्लियरली, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को जो है चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं. क्योंकि क्लियरली इस पर्सन को वैल्यू तो हो रही है आपके, और इसको समझ भी आ गया है कि जो इसने मेस क्रिएट किया है उसको पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे. और कहीं ना कहीं अब आप अपनी पावर में भी आ गए हो, तो आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. ओके, बट जो भी ले, वाइज होके डिसीजन ले, अपनी इस पावर को समझ के डिसीजन ले, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो या गाइज, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय.